अपने प्याज। मैं डालूंगी इसमें अपना ये बीफ का गोश्त, ये डालेंगे। आ रहे हैं और इसमें डालेंगे माशाल्लाह से सालन। देखिए ये हमारा सालन की लुक कितना अच्छा टेस्टी हमारा सालन बने। वैसे ये देखिए हमारे सालन की लुक कितना मज़े का सालन हमारा करेले गोश्त तैयार हुआ। अब मैं डालूंगी इसमें पिसा हुआ 1 स्पून गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला डाल। माशाल्लाह से करेले गोश्त बनकर हमारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं करेले गोश्त, जिसके लिए ये हमने बीफ का गोश्त लिया, 1 किलो हमारा बीफ का गोश्त है, 1 किलो हमारे करेले हैं, 1 किलो प्याज, सब्ज़ मिर्च, लहसुन, टमाटर, प्याज। सबसे पहले मैं अपने पतीले में डालूंगी ये गोश्त को उठा के, तरह से मैं डालूंगी ये मैं लहसुन, 1 अदद प्याज, 1 अदद टमाटर, ये सब डाल दूँगी। करेले गोश्त बनने लगे हैं हमारे। अब मैं डालूंगी अपने गोश्त में 1 स्पून गरम मसाला, 1 स्पून सुरख मिर्च, 1 स्पून हल्दी, 1 स्पून सूखा धनिया, 1 स्पून नमक। ये अपने गोश्त में डाल देंगे और ये डाल देंगे, क्योंकि हम अपने पहले बीफ को अच्छी तरह से पका लेंगे। अब मैं चढ़ा दूंगी इसे चूल्हे पे, जब ये गल जाएगा फिर हम अपने अच्छे करेले, छोटे छोटे करेले हैं आज, सारे करेले काट लूंगी ये इस तरह से ब्रेक। डालूंगी ये नमक, तो मैंने अच्छी तरह से मसल लिया। अब हम इसे एक दफा पानी से धोएंगे। घी मैंने डाल दिया, अब मैं डालूंगी इसमें अपने करेले, क्योंकि फिर उसमें डालेंगे हम प्याज। डालूंगी इसमें अपने करेले और इनको करेंगे हल्का। बीफ को हमने इस तरह से पका लिए, करेले हल्के ब्राउन हो जाएंगे तो हम बीफ डालेंगे। प्याज को काट लिया, 2 अदर टमाटर डालेंगे, सब्ज मिर्च। अब हम डालेंगे इसमें अपने प्याज। अब मैं डालूंगी इसमें प्याज, ये प्याज डाल देंगे हम इसमें। प्याजों को भी हल्का ब्राउन होने देते हैं। प्याज भी हमारे हल्के ब्राउन हो चुके हैं। अब अपने डालेंगे इसमें मिर्च मसाले। सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, 1/2 स्पून हल्दी, 1 स्पून सुरख मिर्च करेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी ये टमाटर और सब्ज मिर्च। ये बीफ का गोश्त ये डालेंगे। आ रहे हैं और इसमें डालेंगे माशाल्लाह से सालन। देखिए ये हमारा सालन की लुक कितना अच्छा टेस्टी हमारा सालन बने। वैसे ये देखिए हमारे सालन की लुक कितना मज़े का सालन हमारा करेले गोश्त तैयार हुआ। अब मैं डालूंगी इसमें पिसा हुआ 1 स्पून गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया मैंने, पिसा हुआ सूखा धनिया और
माशाल्लाह से करेले गोश्त बनकर हमारे तैयार हो चुके हैं, जो बहुत ही लजीज टेस्टी मज़ेदार बने हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। अब दें हमें इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।